किया। सबसे पहले हमने प्लास्टिक के चावल से जुड़े और मामलों को खंगालना शुरू किया। हमें पता चला कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी, गुजरात के बड़ोदरा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और मुंबई में भी प्लास्टिक के चावल की शिकायतें मिली थी। प्लास्टिक के चावल का शक होने पर कुछ लोगों ने कड़ाही में भून कर प्लास्टिक का टेस्ट किया, तो कुछ लोगों ने चावल की बॉल बनाकर उछाली। हमारी तफ्तीश में पता चला कि इन सभी मामलों में शिकायत की गई थी और जांच के आदेश भी हुए थे। अब ये छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव से आया नया वायरल वीडियो सवाल बनकर सामने था। हमें शुरुआती पड़ताल में पता चला कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में कृषि सम्मेलन हुआ था। उसी कृषि सम्मेलन में आई महिला पुलिस कर्मियों को लंच के वक्त खाने के पैकेट मिले थे और तब महिला कर्मचारियों के खाने में खराब चावल परोसे जाने की शिकायत भी मिली थी। न्यूज 24 की तफ्तीश में पता चला किसान आंदोलन में ड्यूटी करने वर्धा से महिला पुलिस आई थी। इन्हीं में से किसी महिला पुलिस आरक्षक ने प्लास्टिक के चावल दिए जाने का वीडियो वायरल किया था। यानी शुरुआती तफ्तीश में ही साफ हो गया कि ये वीडियो झूठ नहीं है और वाकई राजनाथ गांव में हुए कृषि सम्मेलन में महिला पुलिस कर्मियों ने खाना खाते वक्त ये वीडियो बनाया था। और आज राजनांदगांव जिले में महिला पुलिस ने जिस तरह सबूत के साथ ये वीडियो शूट किया उससे कई तरह के सवाल उठते थे। सच या झूठ, क्या वाकई छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक चावल की सप्लाई हो रही है? सच या झूठ, ड्यूटी पर तैनात जवानों को जानलेवा मिलावटी खाना मिल रहा है? सच या झूठ, मुनाफाखोर प्लास्टिक का चावल बेचकर जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? इस वायरल वीडियो में एक साथ कई महिला पुलिसकर्मी बैठी नजर आ रही है, लेकिन इनमें से किसी भी महिला पुलिसकर्मी का चेहरा नहीं दिखाया गया। महिला पुलिसकर्मी ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जो लंच पैकेट उन्हें दिया गया है उसमें मौजूद प्लास्टिक चावल की जानकारी उनके वरिष्ठ अधिकारियों को है या नहीं, क्योंकि चावल की खराब क्वालिटी की शिकायत दर्ज हुई थी। इसलिए हमने पता किया कि क्या इस चावल का सैंपल जांच के लिए लिया गया था। हमारी जांच में इसका उत्तर भी हां में मिला। इसके बाद न्यूज 24 संवाददाता वहां पहुंचे जहां इस चावल को जांच के लिए भेजा गया था। इस प्लास्टिक के चावल की पड़ताल के लिए हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के खाद्य विभाग के दफ्तर। खाद्य विभाग के दफ्तर में हमें कई और जगह से जांच के लिए आए चावल के सैंपल दिखाई दिए। हमने वायरल वीडियो वाली घटना के बारे में यहाँ के मुख्य खाद्य विश्लेषक से बात की। जांच अधिकारी ने बताया कि चावल नकली नहीं था, लेकिन उसमें स्टार्च ज्यादा होने और कम पानी में पकाए जाने की वजह से वो चिपकने लगा। वो प्लास्टिक का चावल है, चावल के बॉल बनाए हैं अब, और उसे बांध कर उछालने पर गेंद की तरह उछलने भी लगा। हमें ये भी बताया गया कि आज तक एक भी चावल के सैंपल में प्लास्टिक नहीं मिला है। जो हम लोगों के पास पूरे प्रदेश से जांच में सैंपल्स आए हैं चावल के, उनमें किसी में भी चावल में जो है वो प्लास्टिक का चावल जो है, प्लास्टिक राइस जो रूमरिक है, वो प्लास्टिक का राइस नहीं पाया गया है। यहाँ से हमें पता चला चावल प्लास्टिक का नहीं है, लेकिन उसमें एमोलॉज स्टार्च और एमोलॉज पेक्टिन स्टार्च ज्यादा था। कम पानी में पकाने की वजह से चावल के दाने चिपक गए और उनकी बनाई गेंद उछलने लगी। लेकिन हमारी पड़ताल यहीं खत्म नहीं हुई। हम महिला पुलिस की शिकायत को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के पास पहुंचे। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही धान का कटोरा खाला जाता है, और इस तरह का मैंने स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ में चावल की कमी नहीं है, तो प्लास्टिक का चावल का विषय नहीं है कि हम किसी को चावल कोई व्यक्ति देता है
और मैंने कहा अगर कहीं आरोप कहीं दिखाई देता है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो भी आरोप है उसमें जो सत्यता नहीं है ऐसा मुझे जानकारी आई। हमारी पड़ताल में पता चला कि महिला पुलिस को जो चावल परोसे गए थे उसमें मॉइस्चर, प्रोटीन और फैट के तत्व थे। ये तत्व नकली चावल में नहीं हो सकते। हालांकि इन चावलों में खड़िया यानी चौक की मिलावट से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी हो सकता है कि चावल खराब क्वालिटी के रहे हों, लेकिन ये प्लास्टिक के नहीं थे। वायरल वीडियो सच साबित हुआ, लेकिन प्लास्टिक चावल के आरोप झूठे साबित होते हैं। और अब अगली खबर बिहार।